हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी तैयारियां। तो राजस्थान पुलिस का एक मॉडल पेपर करेंगे। राजस्थान पुलिस का एग्जाम ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, तो कितनी आपकी तैयारी है, ये क्वेश्चंस जितने आप सही कर सकते हैं कमेंट करके बताना। 15 मिनट में टॉप 70 क्वेश्चंस कवर करेंगे। हर पार्ट के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, यानी जो भी आपका एग्जाम का सिलेबस है उसी के आधार पर टॉप 70 क्वेश्चंस हैं। और जो भी आपका स्कोर बनता है, जितने आप सही कर सकते हैं कमेंट करके आप जरूर बता देना। इस तरह के डेली टेस्ट लेने हैं तो इस बटन पे ओके कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ओके करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। और पीडीएफ लेनी है तो टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक है प्रहला सारण सर के नाम से। राजस्थान जीके की 2000 से भी ज्यादा पीडीएफ है, सारी पीडीएफ आपको यहीं पर मिलेगी। और एक टेस्ट डेली हम 8 बजे करते हैं रात को, 100 क्वेश्चन का राजस्थान जीके का, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो फटाफट एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और फिर दे दीजिए पहले क्वेश्चन का आंसर। हर टाइप के क्वेश्चंस कवर करेंगे, एग्जाम के पैटर्न के आधार पर है, तो ये जरूर बताना कि कितने क्वेश्चंस है वो आपने सही किए हैं। चलिए ओके, करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। लाइक शेयर कर दो एक बार स्पीड के साथ में। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि कंप्यूटर में होना चाहिए कि वे बूट हो सके, ठीक है, यानी कंप्यूटर को बूट करने के लिए क्या होना जरूरी है। हर टाइप के क्वेश्चंस कवर करेंगे, कंप्यूटर में क्या होना चाहिए कि वे बूट हो सके। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर को बूट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर सही आंसर है। दूसरा कि निम्नलिखित में से वह प्रोग्राम जो उच्च स्तर भाषा को मशीन में बदलता है, कौन सा प्रोग्राम है जो उच्च स्तर भाषा को मशीन में बदलता है। तो कंपाइलर होता है, कंपाइलर है वो स्तरीय भाषा को मशीनी लैंग्वेज में बदलता है, तो डी आपका राइट आंसर। 3 नंबर, एक्सेल में फंक्शन कैटेगरी नहीं, कौन सी नहीं है, एक्सेल में फंक्शन कैटेगरी कौन सी नहीं है, लॉजिकल, डाटा सीरीज, टेक्सेट या फाइनेंशियल है, तो कौन सी नहीं होती, डाटा सीरीज। एक्सेल में डाटा सीरीज फंक्शन कैटेगरी नहीं होती, तो 2 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन कहाँ होता है, वर्ड फाइल में रिप्लेस का ऑप्शन जो है वो कहां पर होता है, एडिट मेन्यू में होता है, रिप्लेस का ऑप्शन होता है एडिट मेन्यू में, डी आपका राइट आंसर। 5 नंबर, डाटा प्रोसेसिंग की प्रक्रिया का प्रथम चरण कौन सा है, डाटा प्रोसेसिंग की प्रक्रिया का पहला चरण होता है एकत्रीकरण करना, यानी 3 आपका राइट आंसर। 6 नंबर, एक्सेल में एक प्रीकार्डेड फॉर्मूला है जो जटिल गणनाओं के लिए शॉर्ट की होता है, कौन सा होता है, फंक्शन होता है, जी तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 7, कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिका का बना होता है आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है, कौन सा होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर जिसका निर्माण किसी और सिलिका का बना हुआ होता है, यानी चिप जो भंडार रख सकता है, यानी मेमोरी स्टोरेज होती है। 8 है कि वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए किसका यूज करते हैं, वर्ड में पिछले काम को दोबारा लाने के लिए रिवर्स करने के लिए किस की का यूज करते हैं, अंडू कमांड का करते हैं, अंडू कमांड का यूज किया जाता है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9, इंटरनेट का जनक किसको माना जाता है, इंटरनेट का जनक किसको मानते हैं, विंट सर्फ को, इंटरनेट का जनक, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। 10 है कि एमएस वर्ड 2010 में मेन्यू बार को सक्रिय करने की शॉर्ट की क्या है, एमएस वर्ड 2010 में मेन्यू बार को सक्रिय करने की शॉर्ट की क्या होती है, F10, F10, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 11, हिंदुस्तान मस्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी 1667 में, कहां पर हुई थी बता दीजिए, 1667 में अजमेर में हुई थी, हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना अजमेर में, एक आपका राइट आंसर। वर्तमान में राज्य में जिला उद्योग केंद्र कितने और उपकेंद्र कितने हैं, जिला उद्योग केंद्र आते हैं 36, और इसमें नॉर्मली चले जिला उद्योग और उपकेंद्र वाला थोड़ा सा इसमें मिसमैचिंग है, तो इसके ऑप्शन के आधार पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 34 और 7, नॉर्मली होना चाहिए 36 और 8, चलिए तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के आधार पर। 13 है कि राजस्थान पोर्टल जो राजकीय दस्तावेज और प्रमाण पत्रों को डिजिटली स्थापित करने की सुविधा देता है, राजस्थान का प्रोटोकॉल पोर्टल जो राजकीय दस्तावेज और राजकीय प्रमाण पत्रों को डिजिटल रूप से स्थापित करने की सुविधा देता है, और ये राजीव वोट के माध्यम से, बी आपका राइट आंसर। राजस्थान में पहली विधानसभा के सदस्य कितने थे, पहली विधानसभा के सदस्य कितने थे, 160 थे, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 15, विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, और यह कब लागू किया गया था,
तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1967 में, यहाँ 13 मार्च से लेकर 26 अप्रैल 1967 रहा था ये, तो सी आपका राइट आंसर। 16 है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष रहे थे, पहले गैर कांग्रेसी अध्यक्ष रहे थे लक्ष्मण सिंह, डी आपका राइट आंसर। 17 नंबर, राजस्थान की एकमात्र जो मुसेडी गांव यानी बारा और गोवर्धनपुरा जो कोटा में दो बार प्रवेश करती है, ठीक है, कौन सी नदी है जो मुसेडी गांव बारा में प्रवेश करती है पहले और बाद में गोवर्धनपुरा कोटा में प्रवेश करती है, दो बार राजस्थान में प्रवेश करती है, तो कुनू नदी। कुनू नदी राजस्थान में दो बार प्रवेश करती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में दो बार सीमा रेखा बनाने वाली नदी कौन सी है, दो बार सीमा रेखा बनाने वाली आती है पार्वती नदी, जो राजस्थान के बीच में और मध्य प्रदेश के बीच में दो बार सीमा बनाती है। 19 की ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वह ठंडा हो जाता है, ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण ठंडा हो जाता है, तो वाष्पन की वजह से, तो डी आपका राइट आंसर। 20 है कि कौन सा पदार्थ केवल विषाणु कोशिका में होता है, कौन सा पदार्थ केवल विषाणु कोशिका में होता है, तो आरएनए एक नंबर आया राइट आंसर। 21 है कि इनमें से आदिश राशि कौन सी नहीं है, आदिश राशि कौन सी नहीं है, वेग नहीं है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 22 है कि भारत में पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपना दुर्ग कहां स्थापित किया था, सबसे पहले अपना दुर्ग स्थापित किया था कोचीन में, बी आपका सही है। 23 नंबर, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था, राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि भी दी थी, अकबर द्वितीय ने भेजा था और राजा राम मोहन राय की उपाधि भी दी थी, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। मध्य भारत में ठगी को दबाने वाले गवर्नर जनरल कौन थे, ठगी को दबाने वाले गवर्नर जनरल थे विलियम बेटिक, लॉर्ड विलियम बेटिक, बी आपका सही है। अगला, एक सुल्तान जाने के समय इल्तुतमिश भारत के किस प्रांत का गवर्नर था, इल्तुतमिश जो सुल्तान चुना गया था उस टाइम पर गवर्नर कहां का था, तो बदायूं को गवर्नर था, बदायूं का, तो एक आपका राइट आंसर। 26, भारत के अंतिम मुगल सम्राट कौन रहे थे जो 1857 की क्रांति के टाइम पर थे, बहादुर शाह जफर रहे थे, डी आपका सही है। और 27 नंबर, किस शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था, किस शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था, तो मुबारक खिलजी ने किया था, बी आपका सही है। 28 में बंगाल के किस नवाब ने 20 जून 1756 को रात को 146 अंग्रेज अधिकारियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था, ठीक है, इसको ब्लैक होल की घटना भी कहा जाता है, और किस शासक ने किया था, सिराजुद्दौला ने किया था ये, सिराजुद्दौला ने। क्वेश्चन नंबर 29, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो डी आपका सही हो जाएगा। 30 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्देश परिवर्तित किए जा सकते हैं, उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्देश को परिवर्तित किया जा सकता है, अनुच्छेद 226 के अकॉर्डिंग, सी आपका सही है। चलिए, राष्ट्रपति किसके कहने पर लोकसभा को भंग कर सकता है, राष्ट्रपति किसके कहने से राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, प्रधानमंत्री के, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। 32, भारत सरकार में पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक है वो लोकसभा में कब पेश हुआ था, पहली बार लोकपाल और लोकायुक्त जो विधेयक लोकसभा में पेश किया गया था पहली बार, ये 1968 में, 9 मई 1968 को, डी आपका राइट आंसर। 33 नंबर, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित होती है, अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी करनी हो तो कौन, संसद, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सही आंसर। 34 नंबर, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में, 12 व्यक्तियों को, तो बी हो जाएगा सही आंसर। 35 आपका कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या 31 कब की गई थी, हालांकि भी तो बढ़ गई है अभी वर्तमान में कितनी है कमेंट करके बता देना, लेकिन जो 31 की गई थी ये कब की गई थी, 2008 में की गई थी, वर्तमान में टोटल कितने हैं कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये संख्या बढ़ा दी गई है। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं क्या, जी निलंबित किया जा सकता है, कौन से मूल अधिकार है जिनको नहीं किया जा सकता, ये कमेंट करके बता देना, ठीक है, तो राइट आंसर आपका एक नंबर। 37 नंबर, मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है, मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना,
व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। 38 मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है? लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण कहां पर होता है? अस्थि मज्जा में। बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 सर्वाधिक प्रतिभूमि किस जिले में आती है? सर्वाधिक प्रतिभूमि आती है जोधपुर में, जो ऑप्शन के आधार पर जोधपुर। बी आपका राइट आंसर है। 40 आपका है कि केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड का कार्यालय है जयपुर के अलावा और कहां पर है? केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड का कार्यालय एक जयपुर में है, जयपुर के अलावा सीकर जिले में आता है। तो बी आपका सही है। 41 नंबर, राजस्थान राज्य की नदियों को कितने जल ग्रहण क्षेत्र उप क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? कितने जल ग्रहण क्षेत्र में और कितने उप क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया राजस्थान की नदियों को? तो 13 जल ग्रहण क्षेत्र और 59 उप क्षेत्रों में विभाजित किया है। बी आपका सही है। 42 राजस्थान में खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलों को क्या कहा जाता है? खारे पानी झीलों को क्या कह देते हैं? तो पलाया झील, पलाया झील कहा जाता है, ठीक है। या नॉर्मली तटीय इलाके में होती है उसको क्याल या लेगून भी कह देते हैं, यानी तटीय इलाकों में होती है वो क्याल और लेगून भी कहलाती है, लेकिन जो रेगिस्तान के क्षेत्र है पलाया झील। तो एक नंबर आपका राइट आंसर। 43 आपका कि काला डेरा जिले का उदाहरण कौन सा नहीं? काले डेरा जिले का उदाहरण नहीं है लोनार झील, रामगढ़ झील, पुष्कर झील या फतेह सागर झील। तो 43 का क्या हो जाएगा? फतेह सागर झील नहीं है, फतेह सागर झील। तो डी आपका राइट आंसर। 44 है कि अरावली पर्वतमाला को मध्य से काटने वाली नदियों का सही जोड़ा कौन सा है? कौन सी नदियां अरावली पर्वतमाला को मध्य से काट देती है? तो लूनी नदी है, लूनी नदी। तो बी आपका राइट आंसर। 45 नंबर, अजमेर जिले के नागपहाड़ से किस नदी का उद्गम होता है? किस नदी का उद्गम होता है, ठीक है? तो लूनी नदी का, लूनी नदी का बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। बी हो जाएगा राइट आंसर। 46 राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? राजस्थान का सबसे लंबा बांध आता है माही बजाज सागर बांध। तो लंबा बांध एक आपका राइट आंसर। 47 सीधा यमुना नदी में जल डालने वाली नदी कौन सी है? कौन सी नदी जो है अपना जल यमुना नदी में गिराती है, यमुना नदी के साथ मिल जाती है? तो कौन सी नदी है? चंबल नदी है, यमुना में मिलती है, और बाणगंगा नदी भी। तो बी आपका राइट आंसर। 48 नंबर, पेड़ वाले बाबा, पेड़ वाले बाबा के नाम से किसको जाना जाता है? किसको जाना जाता है? काकापुरी। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है कि पेड़ों की कटाई सबसे पहले प्रतिबंध लगाया गया था 1910 में जोधपुर में, जबकि शिकार पर रोक लगाई गई थी सबसे पहले 1901 में कहां पर लगाई गई थी? शिकार पर रोक लगी थी सबसे पहले टोंक में, और पेड़ों की कटाई पर रोक लगी थी सबसे पहले जोधपुर में। 50 नंबर, कि पांडुपोल मंदिर जहां हनुमान जी की एकमात्र मूर्ति है जो सेन मुद्रा में है, कहां पर है? पांडुपोल हनुमान जी, जहां पर लेटे हुए हनुमान जी है सेन मुद्रा में, जो हनुमान जी है ये सरिस्का अभ्यारण्य में आती है, सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में। चलिए, बघेरा और बहोरा पक्षी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण कौन सा है? बघेरा और बहोरा पक्षी जो है वो किस अभ्यारण्य के प्रसिद्ध है? जयसमंद अभ्यारण्य के। एक आपका राइट आंसर। 52 है कि मगरमच्छों को पकड़ने में नंगे हाथों में सिद्धस्त देसी स्टीव इरविन के नाम से किसको जाना जाता है? किस व्यक्ति को जाना जाता है? रामचरण मीणा जी को। बी आपका राइट आंसर। 53 उत्तर भारत का पहला सर्प उद्यान कहां स्थित है? उत्तर भारत का पहला सर्प उद्यान कोटा में। सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 शहरियों के द्वारा की गई झूमिंग खेती क्या कहलाती है? शहरिया जनजाति के द्वारा जो झूमिंग खेती की जाती है उसको क्या कहते हैं? वालरा, आदिवासियों की वाला कृषि कहलाती है, ठीक है, चलिए याद रखना है। नेक्स्ट आपका है कि राजस्थान ने पहली बार लेथेनम और सीरियम नामक दुर्लभ खनिजों के भंडार कहाँ मिले हैं? लेथेनम और सीरियम नामक जो खनिज के भंडार मिले हैं राजस्थान में, ये कहाँ पर मिले हैं? बाड़मेर के, बाड़मेर में गुड़ा मलानी एरिया जो है नॉर्मली वहां पर। तो एक आपका राइट आंसर। 56 है कि राज्य में सौर ऊर्जा से संचालित पहला एटीएम कौन सा है? सौर ऊर्जा से संचालित पहला एटीएम है मनोरमपुरा, जो कि जयपुर में आता है। 57 आपका कि प्रयोगशाला में गैर जीवी संसाधनों से निर्मित पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? गैर जीवी संसाधनों से निर्मित पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा आता है? ईथर, यानी एक आपका राइट आंसर। 58 की आरएनए और प्रोटीन बनाने में कौन सा प्लांट हार्मोन उपयोगी है? आरएनए और प्रोटीन बनाने में कौन सा प्लांट हार्मोन जो है वो जरूरी है, यूजफुल है? तो आता है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। तो राइट आंसर पैसी हो जाएगा।
मनुष्य में बोनापन किसके स्राव के कारण होता है? बोनापन किसकी वजह से? थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से। थायरोक्सिन हार्मोन डी आपका राइट आंसर। साठ के 1934 में भारतीय विज्ञान अकादमी की स्थापना किसने की थी? भारतीय विज्ञान अकादमी की स्थापना 1934 में किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर सी वी रमन जी के द्वारा। बी आपका राइट आंसर। 61 तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरोन यानी सी आपका सही है। 62 नंबर की उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया था? उत्परिवर्तन शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया था? ह्यूगो डे व्रीज के द्वारा दिया गया था। सी आपका राइट आंसर। 63 आनुवंशिकी के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? आनुवंशिकी के पिता किसको कहा जाता है? ग्रेगर मेडल को कहते हैं। ग्रेगर मेडल ए का राइट आंसर आपका। 64 नंबर किस वर्ष में डॉक्टर सी वी रमन को नोबल पुरस्कार मिला था? सी वी रमन जी को नोबल पुरस्कार दिया गया था 1930 में, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 65 नंबर कि अब्देल अजीज जेराद को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? तो ये नॉर्मली अल्जीरिया, अल्जीरिया जिसकी राजधानी आती है अल्जीरियस, तो राइट आंसर आपका एक नंबर। 66 नंबर कि दुनिया की पहली और सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला जिन्होंने 6 महाद्वीपों की 6 सबसे ऊंची चोटियों को चढ़कर रिकॉर्ड बनाया था, और ये नाम क्या है उनका? मालावत पूर्णा नाम है। मालावत पूर्णा जो मात्र 13 वर्ष की है, ठीक है, कहां की है? तेलंगाना की है ये, मात्र 13 वर्ष की उम्र है इनकी। अगला की दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी 1973 की किस धारा में 16 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं के साथ एक या एक से ज्यादा व्यक्ति मिलकर अगर सामूहिक बलात्कार करते हैं तो इसका वर्णन सुविधा किस धारा में आता है? तो ये आती है धारा 376 डीए, धारा 376 डीए आती है। 68 है कि दहेज लेने और दहेज लेन देन में उकसाने के लिए 6 महीने की सजा है, 5,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ता है, और बाद में जिसको संशोधित अधिनियम के द्वारा उन सजाओं को बढ़ाकर न्यूनतम 6 माह और अधिकतम कितना कर दिया है? कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा इसमें 10 वर्ष की सजा होती है दहेज लेने देने और उकसाने के लिए। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा निर्ममता और दहेज के लिए उत्पीड़न से संबंधित आती है? तो 498 ए आती है। और क्वेश्चन नंबर 70 आपका कि वेश्यावृत्ति आदि के लिए बच्चों को बेचना या उनसे संबंधित अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा कौन सी आती है? तो इससे जुड़ी धारा आती है धारा 372 आती है। तो आपने 70 में से कितने सही किए हैं कमेंट करके आप जरूर बता दीजिए, और क्या आपका स्कोर रहा है वो भी बता दीजिए। याद रखिए डेली 8 बजे रात को एक लाइव टेस्ट करते हैं 100 क्वेश्चन का। वीडियो को लाइक जरूर करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और अपना स्कोर बताना है। बाकी पीडीएफ ले लेनी है वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना हो, बात करना हो, शिकायत करना हो तो इंस्टाग्राम का भी लिंक है और फेसबुक पेज का भी लिंक है, तो वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं रात को 8 बजे एक नए टेस्ट के साथ। थैंक यू।